गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में जल संकट बढ़ता जा रहा है। शहर की लाइफलाइन तिघरा में पानी कम होने के कारण शहर के सभी हिस्सों में रोजाना जलाशय का मीठा पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्वालियर विधानसभा के हजीरा क्षेत्र के लोगों ने आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के घर के पास पेयजल समस्या को लेकर चक्का जाम किया। लोगों का कहना है कि अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जाने के बावजूद उनके घरों तक मीठा पानी नहीं पहुंच पा रहा है और जो पानी पहुंच रहा है वह पीने लायक नहीं है, लोग उसे पीकर बीमार हो रहे हैं। इसके अलावा लोगों का यह भी आरोप है कि यहां दो अलग अलग वार्ड एक ही इलाके में होने के कारण पार्षद भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। करीबन दो घंटे चले चक्का जाम के बाद यहां पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाइश देकर शांत कराया। पानी तीन महीने से नहीं आ रहा, दूसरों के यहां से डोडो के ले जाती है, बोरिंग भी आती है तो चैम्बर का पानी मिलवा आ रहा है, आता भी है बोरिंग नहीं भी आती है। यहां से मान मंदिर टोकी से पानी डोडो के ले जा रहे, बहुत परेशान है। नेताजी ने गए थे छाती ठोक के यहाँ से कि मैं पानी दूंगा बहन जी, पर लेकिन पानी नहीं आया। विद्वान तोमर नेताजी, हमारी माँ है को भी पानी नहीं मिल रहा, बच्चे बच्चे और गटर का पानी आ रहा है, बीमार हो रहे हैं बच्चे। प्रशासन प्रशासन क्या चक्का जाम बेसी करते क्या? मंत्री जी आती नहीं है, पर जब पार्षद आनी है तो मंत्री जी क्या आएंगे? प्राकृतिक रूप से संकट है, पर संकट को दूर करने के लिए हम शासन स्तर पर पूरा कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को पानी मुहैया कराएंगे। निश्चित रूप से ऐसी समस्या होगी, उसकी समीक्षा भी की जाएगी और उसका समाधान भी किया जाएगा। मैंने कहा आपसे इन चीजों का समाधान करना हमारा कर्तव्य दायित्व करेंगे। थाना ग्वालियर और हजीरा क्षेत्र की कुछ महिलाओं द्वारा पानी की समस्या को लेकर अपनी बात कही गई थी। नगर निगम एडिशनल कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने उनकी समस्या का निवारण के आश्वासन दिया है। पानी का उनको समस्या थी वाटर सप्लाई की, गर्मियों में पानी कम मिल रहा है, इस बात को लेकर उनमें आक्रोश था और साहब ने सुन लिया है समस्याओं को और उनका निदान करेंगे। पानी तो आ रहा है, पानी की कोई बात नहीं है, प्रश्न ये पाइपलाइन डली है, पानी भी है, सब कुछ है। अमृत योजना में पाइपलाइन डाली गई है, लेकिन हमारे पास अभी क्या कहते हैं, जहाँ हमारा सोर्स है वहाँ पानी नहीं है, पानी कम बचा हुआ है, तो कम मात्रा में पानी आ रहा है, उसी हिसाब से हम पूरे शहर को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।